हरे कृष्णा टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के कहने पर मेरी कुकिंग की वीडियो आ गई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मोमोज की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी कुछ सब्जियाँ कट की हैं। इन सब सब्जियों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सब्जियों का रस्सा भी निकाल रही हूँ। कुछ लोग सब्जियों को देख कर जान सकते हैं कि मैंने कौन सी सब्जियाँ यूज़ की हैं। आप खुद बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आते तो मैं खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं आगे। A few moments later. तो मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, फिर जीरा डाला है, फिर हरी मिर्च डाली है कटी हुई बारीक, उसके बाद मैंने वेजीज डाल दी हैं, उसके बाद मैंने वेजीज के ऊपर से नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार डाली, क्योंकि आप जितनी सब्जियां यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और आप जो भी सब्जी यूज़ कर रहे हैं उसे बहुत बारीक ही कट करिएगा या कद्दूकसी घिस लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट है। और फिर मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला है, और रेड चिली पाउडर ज़्यादा मत डालिए क्योंकि हम सात्विक भोग बना रहे हैं, ज़्यादा तीखा और मसालेदार नहीं बनाना है हमें। और दूसरी चीज़ ये है, आप इस वेजीज को अच्छी तरीके से 5 मिनट तक भूनते रहिए और फिर आपकी वेजीज रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड में मोमोज को कैसे स्टीम करना है उसकी तैयारी करती हूँ। तो उसके लिए आपको कोई भी बर्तन खरीदने की ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव, आप घर पे ही बना सकते हैं स्टीमर। तो आप, मैंने यहाँ पर भगोना लिया है और ये छन्ना सबके घर पे होते हैं, तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। दूसरी जगह मेरी मोमोज की चटनी रेडी हो रही है, इसकी रेसिपी मैं आगे बता दूँगी आपको। A few moments later. दूसरी जगह मैं मोमोज का आटा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा, मैदे का आटा लिया है अपने हिसाब से, और दूसरा मैंने नमक डाला है, फिर वाटर की कम क्वांटिटी में मैंने आटा सानना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही आटे को 5-10 मिनट अच्छी तरीके से सानिए, 5-6 मिनट आप सानिए अच्छे से, उसके बाद ही आप तुरंत मोमोज बनाना रेडी कर दीजिएगा। आटे को रखिएगा मत, नहीं तो मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे, और मतलब बनेंगे क्या, आप वो जब बेलोगे तो बेलेंगे ही नहीं। तो इससे आप उसको जैसे ही सान लीजिए, उस पर तेल लगा के आप मोमोज बनाना रेडी कर दीजिए। तो मैंने यहाँ स्टीमर भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मैंने तेल लगाया है, फिर उसके ऊपर से पेड़े की आकार में लोई बनाई और उससे मैंने उस पर बेलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया है, लगभग मेरे मोमोज भी रेडी हो रहे हैं। तो एकदम जैसे ही मैंने आटे को साना और तुरंत ही बनाने लगी, तो मेरे मोमोज बनने रेडी हो गए और अच्छी तरीके से बेल, मतलब वो पूरी जैसे बेल रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा पूरे पतले पतले हों, चारों तरफ से पूरा पतला पतला हो, ज़रा मोटा ना हो, नहीं तो मोमोज मतलब कच्चे रह जाएंगे। उसको अच्छी तरीके से एकदम पतला पतला पूरी जैसा बेलिए। A few moments later. तो जो मोमोज की चटनी के लिए हमें टमाटर मिर्ची सब उबालने के लिए रखे थे, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, फिर उसमें मैंने काला नमक और काली मिर्च ऐड करके उसमें तड़का लगा दिया, जिससे कि जो हमारी चटनी थी वो थोड़ी पानी जैसी दिख रही थी। और आप जब तड़का लगा देंगे तो वो थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी। आप 10-5 मिनट उसे चलाते रहिए, वो धीरे धीरे मतलब गाढ़ी होती जाएगी और मोमोज की चटनी की तरह बन जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, मैंने भी ट्राई किया था फर्स्ट टाइम है। तो जब हमारी ये चटनी रेडी हो जाएगी उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, जिससे चटनी में टेस्ट आ जाएगा। हमारी मोमोज की चटनी भी तैयार हो गई और हमारे मोमोज भी तैयार हो चुके हैं। इतना सब कुछ बनाने के साथ साथ हमारे मोमोज अच्छी तरीके से पक चुके हैं। चलिए अब हम इसको भगवान को भोग लगाते हैं विद तुलसी महारानी। तो आप देख रहे हैं कि हमने मोमोज बना लिया है, भोग भी लगा दिया है। अब आप देखिए आगे। A few moments तो later. ये रहे हमारा प्रसाद, तो बहुत डिलीशियस था सच में। और ये वाइट आप सभी के लिए है, आपने ये वीडियो देखा है और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। सभी को हरे कृष्णा।